उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वे इसमें रिजेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने संसद में अग्निवीर और किसानों को लेकर भी गलत बयानबाजी की है। संसद में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके झूठ का पर्दाफाश भी कर दिया है। बता दें कि संसद में सोमवार को राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य करते रहते हैं। ये हिंदू ही नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में सत्ता पक्ष पर तीखा हमला किया था। राहुल ने कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होना चाहिए, सत्य के पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पर पीएम मोदी ने इस दौरान बीच में ही उनको रोक दिया, उठकर कहा कि यह बात बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हिंदू के मर्म को नहीं जानता है, ये हजारों सालों की संस्कृति, उनको उसको पढ़ना पड़ेगा, उनके संस्कार उनको ग्रहण करने पड़ेंगे। ये हिंदू संस्कृति है, ये मिटाने वाले बहुत आए थे। इस देश में हजारों सालों की गुलामी हुई, लेकिन इस संस्कृति को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और आज उनको भी कहना चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति की तरफ उंगली अगर करोगे तो चार उंगली आपकी तरफ होंगी, आपको विचार करना पड़ेगा। देखिए, जब उन्होंने हिंदू तक कह दिया तो भगवान जी का त्रिशूल कहाँ? उनको यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भगवान क्या थे, उन्होंने इस सृष्टि के लिए भगवान शिव ने विष धारण किया था। ये पढ़ना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा उन लोगों को जो हिंदू मानसिकता के विपरीत जिस तरह की